सोनू जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे, रियलिटी के बच्चे, यू नो वी आर कॉल्ड लाइक दैट. होना होता है जो चीज़ें वो होती रहती है. बहुत ही सुंदर रही मैं तो कहूँगी, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ वहाँ से आने के बाद बॉम्बे हैज़ रियली बीन वेलकमिंग, बिकॉज जनरली बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करना पड़ा, बट ओवरऑल इट वॉज़, आई डोंट से इट वॉज़ दैट बैड. सो इट वॉज़ अ वेरी क्वाइट नाइस जर्नी, बहुत अच्छी सुंदर जर्नी थी. और यू गेट टू सिंग सॉन्ग्स एंड यू गेट टू डू वॉट यू लव टू डू एंड दैट इवेंचुअली बिकम्स योर प्रोफेशन. वॉट कैन बी बेटर देन दिस. हाँ, घर में काफ़ी म्यूज़िक का माहौल रहा, क्योंकि डैड म्यूज़िक टीचर है, इसलिए घर पे लोग सीखने आते थे. उस दौरान मैं भी कई बार बैठ जाती थी. धीरे धीरे मम्मी पापा को पता लगने लगा कि इसको इंटरेस्ट है म्यूज़िक में. सो देन दे थॉट ऑफ यू नो इसको कुछ ट्रेनिंग देते हैं प्रोफेशनल. डैडी के पास बैठ के गाना सीखना बहुत टफ होता था, क्योंकि मैं बहुत ही डैडी की लाडली थी, मैं सुनती नहीं थी कोई बात. तो डैड मुझे कहीं और सीखने के लिए उन्होंने भेजा. उसके बाद से धीरे धीरे म्यूज़िक का ट्रेनिंग चालू रहा मेरा. एक्चुअली मैं जब आइडल में आई थी, मैं 18 साल की ही थी, मतलब 18 तभी ख़त्म किया था मैंने. और मुझे सोनू जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे, अभी भी लगते हैं. तो मैं सोनू निगम को एक्चुअली देखने के लिए जो ऑडिशन में, जिस टीवी शो में मैं आई थी, उनमें जज सोनू जी थे. वो उस शो में मैं इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ पे सोनू जी जज थे. और उस वैसे एज में लोगों को नहीं पता चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या इनर कॉलिंग हो रहा है, क्या है. ऑल्सो आई हैड नो क्लू. हो गया ख़त्म कंपटीशन, मैं मुंबई आ गई, मुझे थोड़े बहुत शोज मिलने लगे. कंपटीशन के वजह से लोग मुझे बाई फेस थोड़े जानने लगे. सी वॉट हैपन्स इज, जब आप एक रियलिटी गेम शो से आती हैं, तब आपको सब रियलिटी के बच्चे, यू नो वी आर कॉल्ड लाइक दैट. तो रियलिटी के बच्चे होते हैं आप, जब तक आपके पास कोई प्रॉपर गाना नहीं होता है. सच बता रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कब वो फेस गया, कैसे मैं, कहाँ पे मैं खुद को पुश कर पाई हूँ प्रॉपरली, नहीं पाई हूँ गाना गाने के लिए. आई सीरियसली डोंट नो. मतलब मुझे अगर कोई अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए, ये अगर मुझे पूछेंगे, तो मैं एकदम फ्रेम करके नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मुझे वो एग्जैक्टली आई डोंट नो कि कैसे हुआ. बस होता चला गया, लोग जुड़ते चले गए, लोगों से मिलती चली गई. ना कि मैं एकदम रिजिड थी, नहीं मुझे तो उनसे मिलना है, आई विल गो टेक एन अपॉइंटमेंट. इट ऑल हैपेंड, यू नो. कोई दोस्त बंधु किसी का नंबर दिया, फ़ोन किया, मिल लिया. इट्स लाइक दैट, यू नो. इट वॉज लाइक, यू नो, एट टाइम्स आई फील कि होना होता है जो चीज़ें वो होती रहती है. यू नो, लोग मिलेंगे, दोस्त बनेंगे, वो दोस्त किसी और को और से आपको मिलाएंगे, वहाँ कोई और बोलेगा वाह अच्छा गाती है, अच्छा लिखती है, अच्छा, यू नो, इट्स लाइक दैट. तो ऐसा ही रहा मेरा जर्नी, किसी ना किसी, कोई ना कोई जुड़ता चला गया जर्नी में. इट्स लाइक दैट. इंडियन आइडल से पहले भी मैं दो लाइन, एक लाइन बहुत सारी फिल्मों में गाई हूँ. तो वो सारे गाने इतना पॉपुलर नहीं हुए, या फिर लोगों को इतना दिमाग में नहीं है कि मैंने तो कई तरीके के गाने गाए. मतलब जिस गाने की बात अभी हम करने वाले हैं, जो भीगी सी भागी सी है, अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने कूके कूके कोयलिया गाया, यू विल नॉट बिलीव इट. You will just not believe it, I know. But I had sung that part. You know, it was fun. I was, मैं स्टूडियो में थी और वो कुछ गाना, वो लड़की बेसुरी है फिल्म में, और मैंने बोला ये बेसुरी कैसे गाओ, नहीं नहीं कर कुछ, हम लोग मजाक मस्ती करते करते वो रिलीज़ हो गया, यू नो, लाइक दैट. सो आई हैव डन फ्यू सॉन्ग्स लाइक दैट बिफोर ऑल्सो. मैं गोलमाल में गाना था आले, वो मैंने गाया था. मैं ऑल द बेस्ट का टाइटल सॉन्ग, रोहित शेट्टी की फिल्म ऑल द बेस्ट की टाइटल सॉन्ग गा चुकी हूँ. तो कुछ काम कर रही थी मैं. उसके बाद 2010 में आई गॉट दिस ऑफर टू सिंग दिस सॉन्ग. एंड एक्चुअली ऑफर किसी को कोई ऐसे लेके नहीं आता है कि हम आपको एक ऑफर कर रहे हैं, आप एक गाना गाइए, अनलेस यू आर वेरी बिग. एक
मुझे कॉल आया प्रीतम दा के ऑफिस से कि ऐसा एक गाना है तू कर देगी, इट्स वेरी अर्जेंट, आई हैव टू सेंड इट टू समबडी टू अप्रूव और समथिंग. आई वेंट एंड आई सैंग द सॉन्ग एंड आफ्टर दैट आई फॉरगॉट अबाउट इट एंड आई स्ट्रेट हर्ड इट इन द टेलीविजन व्हेन इट वाज कमिंग, द प्रोमो वाज कमिंग. ये गाना एक्चुअली जब बहुत ही स्क्रैच लेवल पे था, जब ये गाना पिच कर रहे थे, द म्यूजिक एंटायर म्यूजिक टीम वाज पिचिंग दिस सॉन्ग टू रोहित शेट्टी एंड द फिल्म, उस दौरान मैंने एक स्क्रैच डब किया था फॉर द फीमेल पार्ट. आई सैंग दैट पोर्शन एंड इट रिमेन्ड लाइक दैट, लाइक इट्स आई व्हाटएवर आई सैंग दैट नाइट एट 3 o'clock, इट इज वॉट यू आर लिसनिंग टू नाउ. वी कुड नॉट चेंज अ सिंगल लाइन बिकॉज दे लव्ड इट सो मच. आई वॉन्टेड टू री सिंग द सॉन्ग एंड इट हैपन्स टू मी ऑल द टाइम, आई डोंट नो वाई. वेन एवर आई वॉन्ट टू री सिंग अ सॉन्ग विच आई ऑलरेडी संग बिफोर एंड पीपल आर लाइकिंग इट एंड वॉन्टिंग टू कीप इट, आई नेवर गेट अ चांस टू री सिंग इट बिकॉज दे ऑल. आई री सैंग द सॉन्ग, आई सैंग द सॉन्ग अगेन कि मैंने 3 बजे गाया था, सर मैं थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ ये गाना, एक यू नो इंसानों वाले समय में गाती हूँ. तो ओके तो यू सॉन्ग सिंग दैट दिस सॉन्ग. प्रीतम द गेव मी अ गो अहेड, ही टोल्ड मी दैट ओके एक बार और डब कर ले गाना. आई डब दैट सॉन्ग बट इवेंचुअली दे लाइक दैट 3 o'clock वाला टेक ओनली, सो दैट 3 o'clock टेक इज देयर. सो इट डिडंट मेक एनी डिफरेंस वेदर आई री सैंग इट और एवर, वो 3 बजे वाला टेक ही है जो अभी बाहर आया हुआ है. सो यस आई सैंग द स्क्रैच एंड दे लव्ड इट एंड दे थॉट दैट इट इज़ गोइंग विद काजोल वेरी वेल. प्रीतम दास असिस्टेंट इंजीनियर जो इज एन असिस्टेंट इंजीनियर उधर, इसलिए कर लेते हैं ना ये, कर लेना थोड़ा सा इसको स्कैनिंग. एंड आई वेंट इन टू द माइक एंड आई सैंग एंड आई बिलीव दैट मुझे नींद आ रही है वाली जो आवाज़ है दैट सूटेड दैट सॉन्ग वेरी वेल बिकॉज इट बिकम लिटिल मोर हस्कियर देन वॉट इट इज. सो यस I don't know how all this happened, you know, it just happened. I sang it and when it came, I myself was thinking, okay, that day at 4 o'clock I sang like this, not bad man, it was like that. So yes, it had to happen, so it happened. हाँ, यू आर राइट दैट प्रीतम दा इज़ एन इंस्टीट्यूशन, दिस नो डाउट अबाउट इट. एंड प्रीतम दा से मैं क्या सीखी हूँ, प्रीतम दा के स्टूडियो से द होल थिंग मैं क्या नहीं सीखी हूँ, वॉट एवर आई हैव लर्नड, हाउ वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इट्स बिकॉज आई हैव स्पेंड सम टाइम इन द स्टूडियो. यू नो इट इज़ सो मच देयर टू, सो मच नॉलेज ऑलवेज लाइक देयर टू, यू नो इफ यू आर लाइक अ स्पंज यू कैन अब्जॉर्व इट. वॉट एवर सिंगिंग गाना, एक गाना कैसा उसका स्कैनिंग कैसा होना चाहिए, एक गाना कैसे गाना चाहिए, उस गाने का क्या फील होना चाहिए, ये गाना एक म्यूजिक डायरेक्टर कैसे विजुअलाइज कर रहा है, ये सब चीज़ें एक सिंगर के लिए पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नो एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक व्यू होता है एक गाने के ऊपर. कई बार हम जब जाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर का ब्रीफ ही नहीं समझ में आ पाती है हमको कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं. तो जब आप एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करते हैं उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिंगर टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एग्जैक्टली ही वॉन्ट्स फ्रॉम द सॉन्ग. एंड इट इज़ नॉट अबाउट माई सॉन्ग ओनली, आई हैव सीन दादा प्रीतम दा गिविंग ब्रीफ टू प्रोग्रामर्स, ब्रीफ टू अरेंजर्स, ब्रीफ टू singers. So when I see it also, even if he's not giving the brief to me, when I see it, that also gives me a lot of knowledge ki what exactly he is thinking for this song, what kind of voice he wants for this song, what kind of texture he wants for this song. So whatever I am doing a little bit, it's all because of that whole institution, and he is an institution, he is my mentor, there's no doubt about it. Composing is one thing I think I'll never get into because I'm not good at it. I can't compose. Like, to me, I don't think I'm up to the mark as a composer. But yes, I might just try my hands in programming. My dad is the worst critic of mine. He does not really like whatever I sing. He like, yeah, थोड़ा सा यू नो इसमें थोड़ा तुम काम करो टाइप सीज लाइक दैट. सो आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड ऑफ माई डैड्स क्रिटिसिज्म ऑल द टाइम.